नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। अरवल में जिला क्रिकेट संघ अरवल के तत्वाधान में झुनाठी खेल मैदान पर रुवन कप जिला क्रिकेट लीग के फाइनल मुकाबले में प्रभा देवी क्रिकेट क्लब ने मगध क्रिकेट क्लब को 4 विकेट से हराकर जीत हासिल की है। मैच में वेदांत यादव को मैन ऑफ द मैच, आयुष राज को बेस्ट बैट्समैन, शाहीन अकबर को बेस्ट बॉलर और JRM के शशि रंजन को मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार मिला। खबर वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत जिला परिषद क्षेत्र संख्या 20 से है, जहां नव निर्वाचित सदस्य आशुतोष कुमार दीपू पर जानलेवा हमला किया गया। हमले में दीपू बाल बाल बच गए, लेकिन हमले में उनकी गाड़ी को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हमलावरों ने उनकी गाड़ी के सभी शीशे तोड़ दिए। वहीं घटना की सूचना मिलते ही भगवानपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। कल रात में 7 बजे हम घर से निकले, क्षेत्र में बहुत सा लगन का दिन है, बहुत से कार्यक्रम में जाना था। 8:30 के करीब में हम रघुनाथपुरी माथपुर में एक तिलक समारोह में पहुंचे और वहां 10 मिनट समय व्यतीत करने के बाद जैसे ही हम अपने गाड़ी में बैठे, वैसे ही उधर से लौटने के क्रम में जैसे ही गाड़ी में बैठे, कुछ अज्ञात लोग हमारे गाड़ी पर शीशा पर और हम पर ईंटा और डंडा से प्रहार करने लगा। मेरा ड्राइवर गाड़ी को तीव्र गति से आगे बढ़ाते हुए निकाला वहाँ से। फिर आगे जाके हम गाड़ी को स्टॉप किए और भगवानपुर पुलिस पुलिस पर थाना प्रभारी को फ़ोन करके उनको इस बात से अवगत कराया। कुछ लगभग 5 मिनट में ही वहाँ पे मौके पर पहुँचे और उस पर अपना संज्ञान लिए। नवादा में NH 31 लालू मोड़ के पास अनियंत्रित कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 3 युवक बुरी तरह से घायल हो गए। वहीं बाइक सवार घायल 3 युवक को रजौली अनुमंडल के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कटिहार शहर में इन दिनों लगातार हेडक्वार्टर DSP रश्मि के नेतृत्व में वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यातायात नियमों को समुचित रूप से पालन करवाने को लेकर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। और गौरतलब है कि हेडक्वार्टर DSP रश्मि ने बताया कि शहर के विभिन्न क्षेत्रों में हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस और इत्यादि को लेकर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है। अभी तक 4 गाड़ी का कटा है। किसके निर्देश है सर, आदेश है? ये हेडक्वार्टर DSP ट्रैफिक है। तो अभी आप लोग कहाँ सर हैं अभी स्थित? ये महिला थाना के पास। महिला थाना। मैडम, कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ये हेलमेट अभियान चलाया जा रहा है। जो दोपहिया वाहन हैं वो हेलमेट धारण करें, ये रूल में भी है और उनको उनकी सुरक्षा के लिए भी है। तो हम जिला अंतर्गत ये सब जगह ये अभियान चलाया जा रहा है कि दोपहिया वाहन में अधिक से अधिक लोग हेलमेट पहने, अगर नहीं पहने तो उनका फाइन लिया जा रहा है। मसौढ़ी में शहीद संजय सिन्हा की 3री पुण्यतिथि मनाई गई और शहीद के सम्मान में 2 मिनट का मौन रखा गया। आपको बता दें कि 14 फरवरी 2019 पुलवामा आतंकी हमले में शहीद संजय सिन्हा की 3री पुण्यतिथि के अवसर पर उनके आवास पर शहीद के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। माल्यार्पण करने वालों में मसौढ़ी SDM अनिल कुमार सिन्हा, पूर्व मुख्य पार्षद सुनीता सिन्हा सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे। अभी लाडला हताहत हुए थे संजय सिन्हा जी, पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर भी इस शहादत दिवस को मनाया जा रहा है। आज हम लोग भी अपने लाडले के शहादत दिवस पर सभी साथी, माननीय हमारे अनुमंडल पदाधिकारी जो हमेशा संजय सिन्हा जी के परिवार के एक सदस्य के रूप में प्रशासनिक तौर पर इन लोगों ने खड़ा रहे हैं, जो इनसे पूर्व में भी थे और साहब जब से आए हैं तब से ये भी पूरे उनके परिवार के सदस्य के रूप में खड़ा हैं रहते हैं। मैं CRPF के 40 जवान अपने कर्तव्यों के निर्वहन में देश के लिए बलिदान दिए थे, उनके प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं और इनका तो भरपाई नहीं किया जा सकता है। लेकिन हम लोग पूरे आज मसौढ़ी के सभी लोग जो है यहाँ आ करके जो है माल्यार्पण करते हुए उनको नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि देश के प्रति इसी तरह जो है बलिदान देने के लिए हम लोग आगे आए, तत्पर रहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।